अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई जिंदगी टीवी। खबर शामिल कर रहे हैं तांदलियावाला से कि शहर के दरमियान से गुजरने वाली नहर गंदगी और कूड़ा किरकट की आमाजगा बन गई। गंदगी कूड़ा किरकट की वजह से उठने वाली बदबू से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हमको बता रहे हैं तांदलियावाला से नई जिंदगी टीवी के नुमाइंदे अमान भट्ट। तांदलियावाला शहर के वस्त से गुजरने वाली कदीम नहर गंदगी गलादत की आमाजगा बन गई। नहर से मुतसिल कलोनियों का तमाम सीवरेज इसी नहर में जा रहा है। महकमा नहर की नाअहली और नलायकी की वजह से लोग सारा कूड़ा करकट भी इसी नहर में फेंक रहे हैं। नहर में गंदगी और गलादत की वजह से बदबू और ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसी नहर के साथ अफसरान की रहायश गाहें भी हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, SP सदर, DSP और जजेस कलोनी भी शामिल है। गंदगी और गलादत से शहर की खूबसूरती भी मुतासर हो रही है। शहरियों और समाजी रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली से अपील की है कि शहर तांदलियावाला की इस कदीम नहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मस्बत इकदाम किए जाएँ। अमान भट्ट, नुमाइंदा नई जिंदगी टीवी, तांदलियावाला।